गुना शिवपुरी सांसद केपी यादव ने किया खोड़ क्षेत्र का दौरा, लोगों को शासन की योजनाओं की दी जानकारी। आज गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपी यादव के द्वारा शिवपुरी विधानसभा में खोड़ क्षेत्र का दौरा किया गया। सांसद के दौरे के दौरान सर्वप्रथम डॉक्टर केपी यादव ने हनुमान मंदिर पर पहुंचकर दर्शन किए एवं गणेश खेड़ा सीएम राइस स्कूल में जाकर बच्चों से चर्चा करते हुए बच्चों से सीएम राइस स्कूल में पढ़ाई से संबंधित चर्चा कर परिचय लिया। साथ ही अपना परिचय देते हुए बच्चों का आत्मबल बढ़ाया। इस दौरान बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग, मूर्ति एवं कला कृतियों का अवलोकन करते हुए बच्चों को शाबाशी देकर शिक्षकों को बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के निर्देश दिए एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किए। इसी दौरान मंच पर पहुंचकर सांसद के द्वारा केंद्र एवं मध्य प्रदेश शासन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को देखते हुए लोगों की समस्याएं भी सुनी। साथ ही सामान्य समस्याओं को तुरंत अनुविभागीय अधिकारी पिछोर एवं जनपद सीईओ को निर्देश देकर निराकरण करने को कहा। इस दौरान सांसद धाये महादेव मंदिर तीर्थ स्थल पर पहुंचे, जहां श्री 1008 शंकरपुरी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए धाये महादेव मंदिर में शिव अभिषेक कर क्षेत्र की जनता के लिए ईश्वर से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। समस्याएं नहीं, ये दौरा एक दिन का नहीं है, ये दौरा लगभग 30 दिन तक कंटिन्यू चलेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 9 साल में जो उपलब्धियां हैं, जो काम हुए हैं, हमारा एक तरह से देखा जाए तो हमारी केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जनता से बात कर रहे हैं। जो हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं वो जनता के समक्ष रखनी है, जो हमारी प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं वो जनता के समक्ष रखनी है कि देश का पूरे विश्व में जो मान सम्मान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है उसको लेकर हम लोग जा रहे हैं। और साथ ही साथ देशवासियों की जिस तरह से हमारी पार्टी ने सेवा की है, क्योंकि जो संकल्प लेके हम लोग चले थे, हम देश सेवा के लिए चले थे, हम देशवासियों की सेवा के लिए चले थे, तो हमें जो आशीर्वाद जनता से मिला था हम उस पर कहाँ तक खड़े उतरे हैं, कितनी हमारी योजनाएं धरातल तक पहुँची हैं, क्या क्या सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को ज़रूरत थी वो पहुँची हैं, उन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच पहुँचे हैं। और साथ में ईश्वर का आशीर्वाद तो है, तो जहाँ जहाँ हमारे धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, वहाँ भी हम ईश्वर का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और अपनी जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच। सर, आगामी एक महीने तक हम लोग इस तरह से पूरे देश में सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और जनता के बीच जाकर उनसे आशीर्वाद। सर, आगामी समय में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो इसके लिए कोई रणनीति बन रही है ऐसी कोई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 2400 घंटे और 12 महीने काम करती है, तो किसी अलग से रणनीति की ज़रूरत नहीं है। हमने जो किया है वो जनता के समक्ष है और जनता के सामने हम अपनी बात रखते हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें मिलता रहा है और निश्चित ही इस बार भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी बनेगी और पूर्ण बहुमत से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी। सर, यहाँ क्षेत्र के लोग एक बैंक की समस्या को लेके काफ़ी परेशान हैं और शायद आपके जानकारी में भी है, तो इसके लिए क्या हो रहा है सर? पहले भी मैंने यहाँ जब जनता ने ये समस्या बताई थी तो मैंने ये बात ऊपर रखी थी, वहाँ से सर्वे टीम आई थी पर किसी टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो नहीं हो पाया था। फिर से हमने बात रखी है और सर्वे चल रहा है, मुझे लगता है जल्द ही यहाँ पर ब्रांच आएगी।